साइंटिफिक एविडेंस के हिसाब से अगर आप रेगुलर हर रोज मसाज करते हैं तो इससे आप अपना बहुत सारा फैट कम कर सकते हैं। मसाज करने से आपके फैट सेल ब्रेक हो जाते हैं जिससे वो आपकी बॉडी में घुलना शुरू हो जाते हैं और आप पतले बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आप अपने बेली फैट पे हर रोज मसाज करते हैं तो ना केवल आपका बेली फैट कम होगा बल्कि आपके हेल्थ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आपका ब्लड सर्कुलेट होता है। अगर आपको लगता है कि वाटर रिटेंशन की वजह से आपका वजन बढ़ रहा है तो उसको रिड्यूस करने में आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि इंस्टेंट आपका जो पेट है वो आपको एकदम भारी भारी फील होता है तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं सिर्फ एक मसाज करने से। इसके पीछे लाखों रिसर्च हो चुकी हैं जिसमें ये प्रूव किया गया है कि हाँ, अगर आप रेगुलर बेसिस पे मसाज करते हैं तो इससे आप अपना बहुत सारा वजन कम कर सकते हैं। मैंने भी आप लोगों को लगभग एक साल पहले एक वीडियो दिया था जो ऊपर शो हो रहा है, ये वाला आप देख सकते हैं। इसमें भी मैंने आप लोगों को मसाज करने का तरीका बताया था, बहुत सारे लोगों ने मसाज किया है। वीडियो पे जाएं, कमेंट सेक्शन में जाएं, अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो कुछ एक ऐसा ही तरीका या फिर उससे थोड़ा सा इंप्रूव करके मैं आप लोगों के साथ ये तरीका शेयर करने जा रही हूं जिसपे मैं अपने बेली पे आप लोगों को मसाज करके दिखाऊंगी। सेम आपको भी ऐसे ही करना है और आप केवल 10 दिनों में अपना बहुत सारा बेली फैट कम कर सकते हैं। तो चलिए फिर ज्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को एज यूजुअल पसंद आ जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत जाइएगा। मसाज करने के लिए सरसों का तेल लिया है क्योंकि सरसों का तेल हल्का गर्म होता है और मसाज के लिए काफ़ी अच्छा होता है। एक चम्मच सरसों ऑयल और एक चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया है ओलिव ऑयल, दोनों को अच्छे से मिक्स करके गर्म कर लिया है। गर्म तेल के साथ ही आपको मसाज करनी है बिल्कुल अच्छे से। आपको अपने बेली पे बहुत सारा ऑयल लगा लेना है, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम इसको स्किन के अंदर थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेंगे, यानी इसको हल्की सी मसाज देंगे ताकि ये पूरे बैली पे फैल जाए। अगर आप नए नए मदर बनी हैं, आपका बैली बहुत ज़्यादा निकला हुआ है तो बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप उसको मसाज करके अंदर कर सकते हैं। बैठे बैठे काम करना पड़ता है, ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इस मसाज को कर सकते हैं। पूरी बॉडी आपकी पतली है लेकिन सिर्फ ये वाला जो बैली फैट आपका निकला हुआ है बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, तो आप मसाज के थ्रू अपने बैली फैट को पिघला के उसको सही शेप दे सकते हैं, आप उसको बिल्कुल फ्लैट बना सकते हैं। तो हल्की सी आपको ऐसे ही मसाज करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो ये है नाभि, इससे ऊपर 4 इंच ऊपर यहाँ पे हल्का सा आपको मसाज देना है। साइंटिफिक बहुत सारे प्रूफ हैं जिसमें बोला गया है कि आप मसाज करके अपने हाथों को पतला बना सकते हैं, यानी सही शेप दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आपको मसाज करनी है, वो वीडियो मिलियंस में गई है, तो थैंक यू उस चीज़ के लिए। मैं आशा करूँगी आगे भी आप मुझे ऐसे ही मोटिवेट करेंगे और बताएंगे कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपको मसाज करना है, हाफ सर्कल बनाना है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। ओके, अब आपको क्या करना है, इस तरीके से लेके आना है, यहाँ पर हल्का प्रेशर देना है यहाँ पर और इसको ऊपर लेके जाना है, यानी कि सर्कुलर मोशन में। आप देख सकते हैं मैंने हल्का सा दबाव दिया हुआ है, आप ज़्यादा दबाव नहीं देंगे, हल्का सा ही दबाव देंगे इस तरीके से। जो लेजी पर्सन हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, इस तरीके से मसाज करके आप अपने बेली फैट को बिल्कुल छू मंतर कर सकते हैं, फ्लैट बना सकते हैं, आप एब्स भी निकाल सकते हैं। बस उसके लिए आपको मसाज दिन में एक बार तो जरूर करनी पड़ेगी, हर रोज़ करनी पड़ेगी। आप 2 बार कर सकते हैं, खाली पेट करेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, खाली पेट नहीं कर सकते हैं तो आपको 2 खाना खाने के 2 घंटे बाद इस मसाज को करना पड़ेगा। तो इस तरीके से फिर आपको उल्टे तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हल्का सा प्रेशर देते हुए इस तरीके से। अगर आपके लव हैंडल निकले हुए हैं तो इस तरीके से मसाज किया जा सकता है। इस तरीके से आप यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक लेके आएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक लेके आएंगे, फिर आप यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ तक लेके आएंगे। मतलब बहुत अच्छे से आपको धीरे धीरे स्लोली स्लोली मसाज करनी है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये मसाज ऑफ कोर्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आएंगे कि क्या मैं इसको कर सकती हूँ डिलीवरी के। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो 1 महीने बाद कर सकते हैं, अगर आपका सिजेरियन है तो आप इस मसाज को 4 महीने के बाद कर सकते हैं डेफिनेटली। ओके, इस तरीके से, और आपको इस तरीके से मसाज किया जा सकता है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, केवल 10 दिन में आपको असर दिख जाएगा, ठीक है ना। आप इसको खड़े खड़े कर सकते हैं, मैं खड़े होकर दिखा रही हूँ, आप इसको बेड पे लेट के कर सकते हैं, आप इसे खुद कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे से करवाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा जल्दी आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से मसाज किया जा सकता है,
अगर आप अच्छे तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। आप इसको अपने लव हैंडल पे, आप इसको अपने हाथों पे कर सकते हैं, आप इसको अपने थाई एरिया पे कर सकते हैं, आप इसको अपने फुल बॉडी पे कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा मसाज करने का तरीका। आई होप कि जितना प्यार आपने उस वीडियो को दिया है, इस वीडियो को भी आप देंगे। तो ये था हमारा मसाज करने का तरीका जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इसी तरीके से आपको करना है। ओके, इस तरीके से तो आपका जो बैली है वो डेफिनेटली कम होना शुरू हो जाएगा। बात कर लेते हैं कि आपको सावधानियां कौन सी बरतनी है। सबसे पहले कि आपको इसे खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना है। जैसे मैंने बताया कि या तो आप इसे सुबह उठ के खाली पेट कर सकते हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट के लिए। ज्यादा टाइम नहीं है तो आपको खाना खाए हुए 2 घंटे हुए होने चाहिए, तब जाके आप इस मसाज को कर सकते हैं। सेकेंड चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपका जो ऑयल है जो आप यूज कर रहे हैं वो गर्म होना चाहिए। अगर आप ठंडे ऑयल के साथ मसाज करेंगे तो मसाज करने का कोई बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि जब आप गर्म गर्म ऑयल अपने बैली पे लगाएंगे, अपनी बॉडी पे लगाएंगे, तो वो इंस्टेंटली फैट को मेल्ट करने में आपकी मदद करेगा। आप इस ऑयल के अंदर अजवाइन डाल के भी इसका यूज कर सकते हैं। अजवाइन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है फैट को कम करने के लिए, क्योंकि उसका जो तासीर होता है वो गर्म होता है। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है। ये नहीं है कि आपको सिर्फ थोड़ा सा ही ऑयल लगाना है, आपको चिपचिपाहट पसंद नहीं है, आपको पूरा भर के ऑयल लगाना है। आप चाहें तो इसको नहाने से पहले भी कर सकते हैं। ओके, आप इसको करें, 1 घंटे तक इसको छोड़ दें और उसके बाद आप नहा सकते हैं। ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका जो वजन है वो भी धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ कि आपको इसे रिजल्ट कितने दिनों में शुरू मिलना शुरू हो जाएंगे, तो वो टोटली आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे तरीके से मसाज करते हैं, कितने अच्छे तरीके से आप मेहनत करते हैं, हर रोज करते हैं या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन करते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से रेगुलर मसाज करेंगे तो केवल 10 दिन में आपको अपने बैली पे असर दिखना शुरू हो जाएगा। और काम धीरे धीरे होगा, ये नहीं कि सिर्फ आप 10 दिन में प्रॉपरली तरीके से अपने बैली को फ्लैट कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको लगातार 1 से 1.5 महीने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप चाहें तो इसके साथ एक हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज आपको चूज करनी है वो आप इसके साथ कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग तरीका है अपने बैली फैट को कम करने के लिए, स्पेशली जो लेजी पर्सन है, जिनके लिए एक्सरसाइज बस की नहीं है, जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, पसीना नहीं निकाल सकते हैं। तो मैंने और भी बहुत सारे वीडियो दिए हैं ऐसे ही, कैसे आप वैसलीन लगा के पोलोथिन कवर करके अपने बैली फैट को कम कर सकते हैं। आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं, चैनल पे वो डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे। आशा करूंगी कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक।